Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to solve all the question answer and exercise of chapter 2 of class 7. So chaliye start karte hain. So firstly we will solve fill in the blanks exercise. So first question is, formula are used to perform dash. Why we use formula? We use formula to perform calculations. So the right answer will be calculation. Here will be calculation. Okay. So second question we have, the cell address in a formula also called, that is reference. The cell address in a formula is also called, जैसे क्या बोलते हैं हम, जो सेल एड्रेस होते हैं फॉर्मूला में उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया था जो सेल एड्रेस होते हैं फॉर्मूला में उन्हें हम बोलते हैं रेफरेंस. तो इसका आंसर हो जाएगा सेल रेफरेंस. इसका आंसर हो गया सेल रेफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज ऑन कॉपिंग कंसिडर्ड एज. मैंने देखिए आपको सेल रेफरेंस समझाए थे, कौन कौन से सेल रेफरेंस बताए थे, मैंने रिलेटिव बताया था आपको, और मैंने आपको एब्सोल्यूट बताया था, एंड मैंने आपको मिक्स्ड बताया था. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसी फॉर्मूला में यूज किया जाता है और उनके जो सेल एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होते कॉपी होने पे, जब कॉपी करते हैं तो चेंज नहीं होते हैं. तो किस में होते हैं? आपके होते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंदर. ठीक है, तो हमने देखा था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जब भी आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं सेल एड्रेस चेंज नहीं होते हैं. द आंसर विल बी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर इनपुट टू फंक्शंस व्हिच एक्सेप्ट वैल्यूज एज अ नंबर और टेक्स्ट. So what will be the answer here? The answer will be argument. Because क्या है, कह रहे हैं देखिए, आर इनपुट टू फंक्शन, जो फंक्शन में हम एक्सेप्ट करते हैं इनपुट्स को, जैसे कि हम कोई भी रेफरेंस पास करते हैं तो वो क्या होते हैं जो फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. वैल्यू एज नंबर और टेक्स्ट. ठीक है, तो चूंकि हाँ हमारे इनपुट है फंक्शन के अंदर, जो क्या करते हैं एक्सेप्ट वैल्यू या फिर नंबर एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इन फिल इन द ब्लैंक्स. तो लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, चलिए इसको देखते हैं. द डैश कैरेक्टर इज यूज फॉर कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग. कॉन्कैटिनेशन के लिए कौन से कैरेक्टर यूज होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना. ठीक है, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जब दो स्ट्रिंग को आप जोड़ते हैं आपस में तो उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब दो स्ट्रिंग को जोड़ना होगा तो हम एंड जो होता है हमारा कैरेक्टर उसको यूज करते हैं दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए. सो हियर विल बी आंसर एंड. तो एंड हमारा करेक्टर हो जाएगा, ये करेक्टर हम यूज करते हैं दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए. आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना. सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर 2. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा. चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. सो चलिए देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स को. फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला मस्ट बिगेन विद अ क्वेश्चन मार्क. क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, ट्रू है और फॉल्स है? क्या हर फॉर्मूला आपका क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होना चाहिए? नहीं, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमेशा आपके इक्वल के साइन से. तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन एब्सोल्यूट रेफरेंस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ रो एंड कॉलम चेंजेस वेयर यू कॉपी अ फॉर्मूला. मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होती है, उनकी रिलेटिव पोजीशन रो और कॉलम की चेंज हो जाती है जब आप फॉर्मूला को कॉपी करते हैं. अभी हमने बताया था, बिल्कुल अभी अभी डिस्कस किया है हमने ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्कस किया है. तो ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर. और सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट में क्या होता है, चेंजेस नहीं होता है. तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्सेल हैज क्लब्ड ऑल द फंक्शन इन द फॉर्मूला लाइब्रेरी ग्रुप. मतलब क्या है, जो एक्सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, फॉर्मूला लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर होते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि फॉर्मूला लाइब्रेरी ग्रुप में होता है, दैट इज फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, वो हमारा होता है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप. तो इस आंसर विल बी फॉल्स. तो ये तीनों हमारे फॉल्स हो चुकी है. फर्स्ट भी फॉल्स हो गया, सेकेंड भी फॉल्स हो गया, थर्ड भी फॉल्स हो गया. अब देखते हैं फोर्थ. ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं. अ रेंज कैन बी यूज इन अ फॉर्मूला. मतलब क्या है, आप एक फॉर्मूला के अंदर रेंज को यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज अ रेंज इन अ फॉर्मूला. क्यों यूज कर सकते हैं? जैसे हम देखिए क्या करते हैं, A1 से लेके A10 तक हम जो सीरीज देते हैं दैट इज अ रेंज, रेंज ऑफ सेल. तो वो क्या है, एक तरीके से रेंज को हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं. सो दिस आंसर विल बी ट्रू. ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की.
द एरर हैश वैल्यू अकर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो। तो अगर ये हैश वैल्यू वाला जो एरर होता है कब आता है, जब क्या कोई नंबर जीरो से डिवाइड होता है तब आता है? ये नहीं, ये गलत है हमारा। तो ये जीरो से डिवाइडेड होता है तो इसलिए नहीं आता है। ये किस लिए आता है? जब आपकी क्या है कोई इनवैलिड डेटा हो किसी भी सेल के अंदर, अगर आपने कोई इनवैलिड डेटा दे रखा है देन ये क्या आएगा आपका ये एरर जनरेट होगा। तो हैश वैल्यू एरर तब आएगा जब आपने कोई इनवैलिड डेटा अपने सेल के अंदर डिफाइन कर रखा है। तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो हमने सारे ट्रू फॉल्स देख लिए हैं इस चैप्टर टू के, जिसमें बस हमारा एक ऑप्शन ही ट्रू था जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, बस वो ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स थे इसमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं। सो वी हैव फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? अ स्पोर्ट टीचर हैज मेजर्ड द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। सौम्या हैज बीन गिवन द असाइनमेंट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा। सजेस्ट द फंक्शन विच शी शुड यूज accomplish the task। अब इसका देखिए क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्या है देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पोर्ट टीचर ने जो है अपने क्लास के बच्चों की हाइट को मेजर किया है, ठीक है। सौम्या को बोला गया है, उसको असाइनमेंट दिया गया कि भाई आप जो है जो डेटा है जिन बच्चों की हाइट की है उस डेटा को सपोज कि उन्होंने सीट में लिख के रख लिया है, एक एक्सेल शीट बना लिया है, तो उसको बोला गया है सौम्या को कि आप देख के बताइए इसमें कि मिनिमम हाइट किसकी है और मैक्सिमम हाइट किसकी है, उसको चेक करके आप बताइए। तो किस तरीके से कौन सा फंक्शन आप बताएंगे कि जिसके हेल्प से वो इसको इजीली कर पाए? तो हमने देखा था जब हमने इस फंक्शन पढ़े थे इस चैप्टर के अंदर, एक्सेल के फंक्शन को जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि आपका मिनिमम फंक्शन होता है एक आपका और मैक्सिमम फंक्शन होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन। तो अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें तो हम मिन फंक्शन लगाते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो मैक्स फंक्शन लगाते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका मिन और मैक्स फंक्शन। तो मिनिमम हाइट को फाइंड करने के लिए शी विल यूज मिनिमम फंक्शन, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम हाइट शी विल यूज मैक्स फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। चलिए मैं इसका आंसर दिखा देता हूं आपको। सो शी शुड यूज द फॉलोइंग फंक्शन, मैक्स टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड मिन फंक्शन टू फाइंड द मिनिमम हाइट, ठीक है। ये दोनों फंक्शन शी विल यूज। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। मिस प्रिया एंड हर फ्रेंड गॉट अ रेज ऑफ 10% इन देयर सैलरीज, ठीक है। मतलब प्रिया और उसके दोस्तों को 10% क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ इनकी सैलरी में, ठीक है, सैलरी उनकी 10% बढ़ी है। फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर द रेज इफ द प्रेजेंट सैलरी इज 15,000 ईच। मतलब क्या है देखिए, अब उनके सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हो गया है और आपको क्या करना है, आप उनकी फाइनल सैलरी पता करनी है। अगर उनकी जो प्रेजेंट सैलरी वो 15,000 थी तो अब 10% इंक्रीमेंट के बाद उनकी सैलरी क्या हो जाएगी वो आपको बतानी है। तो कैलकुलेट द सैलरी बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। तो आपको ये सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूलाज को देखा था किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं फॉर्मूलाज की और किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला होगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, देखिए क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल, ठीक है, 10% आप 10 लिखेंगे फिर परसेंट का साइन लगाएंगे क्योंकि 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंटू करेंगे कितना 15,000 जो भी सैलरी है करंट सैलरी वो कर देंगे इंटू, ठीक है, इंटू करने के बाद में 15,000 को और फिर प्लस करेंगे आप 15,000। अब देखिए क्या होगा, ये जो परसेंटेज निकलेगी किसकी निकलेगी, 15,000 की परसेंटेज निकल जाएगी और जो 15,000 सैलरी थी वो उसमें ये ऐड हो जाएगा, जो भी आपको परसेंटेज निकल के आएगा इस 15,000 का जितना ही परसेंटेज होगा वो निकल के आ जाएगा और उसके बाद में वो ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। अगर आप ऐसे देखेंगे 15,000 का 10% कितना हुआ, 1500 हुआ, और 1500 अगर आप 15,000 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,500 हो जाएगा आपका ये। चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक्सेल में, अगर आपको डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है, इसमें देखते हैं। सपोज की जो एम्प्लॉय है उसका नाम है सौम्या, ठीक है, एक नाम लिख दिया हमने कोई भी, और उसकी जो बोला गया है प्रेजेंट सैलरी क्या है 15,000 है, तो प्रेजेंट सैलरी 15,000 है। तो अब क्या हो रहा है देखिए, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये हो गया, एक जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी सैलरी भी प्रेजेंट सैलरी दे रखी है, अब उसको फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है देखिए 10% है हमारे 15,000 पे जो है 15,000 पे 10% इंक्रीमेंट हुआ है, और जो इंक्रीमेंट होगा मतलब 15,000 पे 10% निकालना है, 15,000 पे 10% निकाल लिया हमने तो 15,000 10% कितना आएगा आपका 1500 आएगा, प्लस हो जाएगा 15,000,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16,500। चलिए इसको चला के दिखाता हूँ, जैसे चलाऊंगा इसको एंटर करूंगा तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए 16,500 हमारा हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा किस तरीके से फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस सेकंड एप्लीकेशन में, इस क्वेश्चन का ये आंसर हम लिख लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। सो नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू यूज द सीट रेफरेंस विच एड्रेस इज अप्रोप्रिएट आउट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं कि अगर आपको सीट रेफरेंस यूज करना हो तो कौन सा एड्रेस जो है वो आपका सही है। मतलब आप सीट रेफरेंस को भी यूज कर सकते हैं, किसी एक सीट का डेटा दूसरी सीट में अगर रेफरेंस का यूज करना हो तो सीट रेफरेंस भी यूज करते हैं हम। सीट रेफरेंस में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सीट रेफरेंस में क्या होता है, सीट का नाम होता है, फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और उसके बाद में सेल नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले तो सिर्फ सीट का नाम आएगा, तो सीट का नाम इसमें भी पहले नहीं आ रहा है, इसमें सीट का नाम पहले आ रहा है, बट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट का नाम आ रहा है और देखिए क्या, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर सेल का नेम है। तो ये हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा सही, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शीट वन एक्सक्लेमेशन मार्क D4, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू गेट द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एडिशन सेल, मतलब एडिशन सेल का अगर हमें क्या करना हो, सम करना हो, तो कौन सा, तो क्या की कॉम्बिनेशन होगा जो हम यूज करेंगे अगर हमें सम निकालना हो वैल्यूज का एडिशन सेल का। चलिए देखते हैं इसका कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास में। कंट्रोल प्लस एस है हमारे पास, कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी, और कंट्रोल प्लस इक्वल। तो यहाँ पे जो होगा हमारा ऑल्ट प्लस इक्वल, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑल्ट प्लस इक्वल। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑल्ट प्लस इक्वल, सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप बहुत इजी बता देंगे। देखते हैं इसको कि कौन सा फंक्शन जो है वो लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए यूज होता है किसी रेंज में। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, मैक्स आंसर हो जाएगा इसका, सी वाला का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द गिवन सेल रेफरेंस कैन बी यूज इन रिलेटिव सेल रेफरेंस, मतलब जो कुछ सेल दे रखे हैं इनमें से, अब देखिए यहाँ पे कुछ सेल दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सेल रेफरेंस जो है वो रिलेटिव सेल रेफरेंस में यूज हो जाएगा। तो मैंने आपको एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स सेल रेफरेंसिंग पढ़ाया था। तो डॉलर का साइन मैंने को बताया था एब्सोल्यूट में यूज होता है और आपका मिक्स में होता है, तो रिलेटिव में कोई भी डॉलर का साइन यूज नहीं होता। तो इसका आंसर सिंपल सा जो होगा हमारा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी BA3। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन फोर्थ का। अब बात करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास में है, मल्टीपल चॉइस। Which function is used to count the number of numeric value in a range? ठीक है, तो इसका आंसर ये बहुत सिंपल सा है, कौन सा फंक्शन जो है वो numeric value को काउंट करने के लिए यूज होता है एक रेंज में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका काउंट। क्यों काउंट हो जाएगा, क्योंकि काउंट का फंक्शन का काम ये होता है कि नंबर्स को काउंट करता है, कुछ भी काउंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काउंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ये। तो ये हमने सारे कर लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 2 के। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज फॉर्मूला, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्मूला क्या होता है और एक एग्जांपल की हेल्प से उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। सो व्हाट आर द फॉर्मूला, फॉर्मूला आर द यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। अ फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल साइन फॉलोड बाय सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, जो डिफाइंस इंस्ट्रक्शन है जो क्या परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी कर सकते हैं आपके। और हर फॉर्मूला आपका किससे स्टार्ट होता है, इक्वल के साइन से, जो क्या फॉलो होता है, किससे फॉलो होता है आपका, फॉलोड बाय सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होते हैं, जो हमारे A3 A2 जो सेल का एड्रेस होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर्मूला का एग्जाम्पल क्या, सिंपल सा फॉर्मूला दे सकते हैं इस तरीके से, इक्वल बी प्लस बी थ्री प्लस बी फोर प्लस बी फाइव, ये भी एक तरीके का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला। और देखिए एंड इक्वल पी इंटू आर इंटू टी स्लैश 100 फॉर्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए अभी ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और बाकी हम जो फंक्शन की हेल्प से लगाते हैं वो सम है हमारा, ठीक है, एवरेज है, वो भी एक तरीके से फॉर्मूला ही होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question we have, what is cell reference? Mention its type. तो cell reference क्या होता है और इसके type बताने हैं. तो ये बहुत easily, बहुत अच्छे से इसको हम समझ चुके हैं. cell reference को इतनी बार हम discuss कर चुके हैं, अभी exercise में इतनी बार discuss कर लिया इसको. तो फिर भी question answer दे रखी, question दे रखा है आपका अलग से, तो इसको दोबारा discuss कर लेते हैं. The cell address that we use in a formula is known as cell reference. ठीक है, जो भी हम cell address use करते हैं उसे हम बोलते हैं cell reference. For example, A1. Where A denote the column. तो देखिए A1 में A denote किसको कर रहा है? A denote कर रहा है column के name को. And 1 जो है वो denote करता है आपके row number को, कि जो row का number है वो कौन सा है. With reference you can use the data from different part of your worksheet. मतलब क्या reference है? आप अपने worksheet के different part से data को execute करवा सकते हैं. ठीक है, उसको calculate कर सकते हैं अपने requirement के according. ठीक है, और different worksheet से भी करवा सकते हैं, workbook से भी. ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा. There are the three types of cell reference. कौन कौन सी है अभी मैं आपको बताते आया हूँ, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से थ्री टाइप के cell references होते हैं हमारे. So first one is relative cell referencing, second one is absolute cell referencing and third one is mixed cell referencing. ठीक है, दिया होगा हमारा question number 2 का answer. I hope आपको answer समझ में आ गया होगा ये. चलिए अब question number देखते हैं, third. Now we have question number 3. So what is the question number 3? What do you know about absolute reference? Explain with the help of an example. तो इसमें absolute cell reference के बारे में पूछा गया है आपसे और एक example भी पूछा है उसका. तो absolute cell reference आपको बता चुका हूँ मैं अभी बताया, मैं कितनी बार explain कर दिया अभी इसी वीडियो में, बार बार ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, इसको कितनी बार explain कर चुका हूँ मैं. बट ये क्वेश्चन है तो दोबारा से एक बार और देख लेते हैं. सो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वॉन्ट टू चेंज द एड्रेस ऑफ सेल while copying a formula to another cell. Simple सी बात है, absolute cell reference को कब use करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हम कोई formula को copy करें और उसके जो cell address है वो automatic change ना हो. I hope आपको समझ में आ गया होगा. इसके regarding मैंने देखिए एक particular आपको video भी बना दी है, जो जितने भी cell referencing मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके ऊपर मैंने एक video बनाई है आपको particular, तो आप उस video को देख लीजिएगा. इसमें आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं. सेल रेफरेंसेस के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस. तो कहां यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हमारे जो फॉर्मूला है हम उसको कॉपी करें तो उसके सेल एड्रेस चेंज ना हो, ऑटोमेटिक अपने आप से चेंज ना हो. ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. टू यूज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन अ सेल यू नीड टू ऐड डॉलर साइन. अगर आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करना है तो आपको क्या यूज करना होता है? डॉलर का साइन. कि आप चाहते हैं जिससे कि सेल के जो रो और कॉलम्स है वो चेंज ना हो, तो उससे पहले क्या करना होगा? मैं रो और कॉलम से पहले हमें डॉलर का साइन लगाना होगा. ठीक है, साइन बिफोर द रो एंड कॉलम. ठीक है, दोनों से पहले हमें क्या करना होगा? डॉलर का साइन लगाना होगा. तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपके एब्सोल्यूट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. कहीं पे भी आप कॉपी करेंगे वो चेंज नहीं होगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका. ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में. आप देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए इस तरीके से आपको लगाना होता है जब भी, अगर आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करने वाले हैं. तो देखिए अगर आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करने वाले हैं अपने सीट में, तो इस तरीके से आपको लगाना होगा. जो भी आपका कॉलम होगा उससे पहले डॉलर का साइन, और जो भी आपका रो होगा उससे पहले डॉलर का साइन लगाना होगा आपको. ठीक है, डॉलर का साइन हमें जरूर लगाना पड़ता है. ठीक है, तो जिससे क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है, इसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं होगी. इस फॉर्मूला को कहीं पे भी कॉपी करेंगे आप तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो वैल्यू फिक्स्ड है वही रहेगी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, इन अबव एग्जांपल फॉर्मूला बिकम्स एब्सोल्यूट एंड व्हेनेवर दिस विल बी कॉपीड टू अनदर सेल, सेल एड्रेस विल नॉट बी चेंज. मतलब क्या है? जो फॉर्मूला है इसको जहां पे भी कॉपी किया जाएगा इसके सेल एड्रेस चेंज नहीं होंगे. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ देख लिया हमने. तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what do you understand by the term concatenation? Explain with the help of an example. अब देखिए concatenation का term पूछा है ये Excel में, तो ये होता क्या concatenation? मैंने last class में आपको बताया था concatenation का मतलब होता है कि जब आप किसी दो string को join करते हैं, मतलब दो cell को आपस में join कर देते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं concatenation. ठीक है, जब आप दो cells को आपस में join कर देते हैं, उन दो cell का data या दो स्ट्रिंग या दो टेक्स्ट को आप आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन. मतलब ज्वाइनिंग ऑफ डेटा टू सेल्स, ज्वाइनिंग ऑफ डेटा ऑफ टू सेल्स इज नोन एज कॉनकैटिनेशन. दो सेल के डेटा को ज्वाइन करना
बिना स्पेस के, उसी को हम बोलते हैं कॉन्कैटेनेशन। चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, आंसर को। कॉन्कैटेनेशन और कॉन्कैट इज द टर्म दैट डिस्क्राइब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग टैग्स और अदर डेटा इन अ सीरीज विदाउट एनी गैप इन एक्सेल एंड कैरेक्टर इज यूज्ड टू कॉन्कैटेनेट डेटा ऑफ टू सेल्स। मतलब देखिए क्या है कॉन्कैटेनेशन का मतलब, क्या है कॉन्कैटेनेशन का मतलब है क्या है, कंबाइनिंग स्ट्रिंग और टेक्स्ट, मतलब कोई भी टेक्स्ट या कोई भी डेटा को कंबाइन करना, जोड़ना, जोड़ने का मतलब है कॉन्कैटेनेशन, मतलब जब जोड़ते हैं ठीक है विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं हो उसके बीच में ठीक है, उनको आपस में जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्कैटेनेशन। एक्सेल में क्या होता है देखिए एंड कैरेक्टर होता है आपका, दो सेल के डेटा को आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंड कैरेक्टर एक्सेल में ठीक है। क्या है देखिए नीचे क्या कॉन्कैटेनेट फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, हमारा सेल ए टू का और बी टू का डेटा को कंबाइन कर देगा, दोनों को डेटा को जोड़ देगा ये। और अगर आप चाहें तो फंक्शन का यूज नहीं करना चाहते तो बिना फंक्शन के आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो कि आपका एंड कैरेक्टर होता है आपका एक्सेल में, जो क्या करता है कॉन्कैटेनेशन का काम करता है, जो एंड कैरेक्टर होता है ये भी आपका कॉन्कैटेनेशन का काम करता है। तो यहाँ पे ए टू एंड आपने दिया बी टू, तो एंड का मतलब है ए टू और बी टू का डेटा कंबाइन करो, मतलब इन दोनों का डेटा कंबाइन कर देगा ये। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको आपको एक्सेल में, जिससे कि आप और क्लियर हो जाइए। तो चलिए देखिए मैं एक्सेल के अंदर आ चुका हूँ, सपोज कि यहाँ पे मेरा 25 है और यहाँ पे देखिए सपोज कि 30 है ठीक है। तो जब इसे कंबाइन कर, कंबाइन करने का मतलब जोड़ने से नहीं, इसे ये कंफ्यूज मत होना कि आप सोचें कि कंबाइन का मतलब जोड़ना है, बस इन दोनों डिजिट को आपस में मिला के रख देगा, मतलब 25 फिर 30 दोनों को आपस में मिला के आगे लिख देगा, 25 आएगा 30 आ जाएगा। कॉन्कैटेनेशन का मतलब ये होता है बस खाली जोड़ के लिख देना, ये नहीं मतलब कि इनको प्लस करेगा, प्लस कर नहीं करेगा इनको, खाली उसको आगे पीछे लगा कर रख देगा बिल्कुल बराबर में बिना स्पेस के ठीक है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से करेगा। देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ सिंपल इक्वल और मैं यहाँ पे देता हूँ इस वाले सेल का नंबर ठीक है, और इसके बाद में मैं लगा देता हूँ एंड, एंड ऑपरेटर जो हमारा जो हमने लगाया था एंड करेक्टर, और हम कर देते हैं इस वाले सेल को, हम यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं इक्वल V7 एंड C7, और जैसे एंटर करूंगा तो इन दोनों को जोड़ के लिख देगा सामने, देखिए बस खाली जोड़ के लिख देगा 25 एंड 30, देखिए 25 एंड 30 आ गया। तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्कैटेनेशन, मतलब ये कॉन्कैटेनेट कर दिया इसने एंड करेक्टर की हेल्प से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा फोर्थ, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन, नेम सम ऑफ द फंक्शंस ठीक है। तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको। ओके, फंक्शन आर द प्री डिजाइन फॉर्मूला इन एक्सेल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो देखिए फंक्शन क्या होते हैं हमारे, तो देखिए फंक्शन क्या होते हैं एक्सेल के अंदर, ये क्या होते हैं प्री डिफाइन, जो प्री डिजाइन क्या है हमारे पास में फॉर्मूला है जो एक्सेल के अंदर बने हुए होते हैं, इनका यूज हम इसलिए कर सकते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए ठीक है। और फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन सेव्स अ टाइम एंड एलिमेंट इज चांस टू राइट रॉन्ग फॉर्मूला, मतलब क्या करते हैं ये आपका टाइम भी सेव करते हैं और आपको आपको गलती होने से भी बचाते हैं कि आप गलत फॉर्मूला लिखने से भी आप बचते हैं। दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट एंड वैल्यू ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट एंड वैल्यूज को ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गए हमारे फंक्शन की डेफिनेशन की, फंक्शन होता है। तो कुछ फंक्शंस के नाम बात कर लेते हैं, नेम पूछे हैं कुछ फंक्शंस के, तो उनके नाम बता देते हैं। बहुत सारे फंक्शन वो आपको पता भी होंगे नाम, तो मैं डिस्प्ले भी कर दे रहा हूँ ठीक है। सम फंक्शंस क्या क्या है, देखिए सम फंक्शन हमारे पास में एक, और एवरेज फंक्शन है आपका, मैक्स फंक्शन है, मिन फंक्शन है, काउंट फंक्शन है। तो ये 5 फंक्शंस आप लिख देंगे, सम, एवरेज, मैक्स, मिन एंड काउंट, ये इनफ है आंसर के लिए। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द रूल्स टू एंटर अ फंक्शन। तो फंक्शन को एंटर करने के रूल्स क्या होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, रूल्स टू एंटर अ फंक्शन, ऑल द एक्सेल फंक्शन मस्ट बिगिन विद द इक्वल साइन। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फंक्शन होंगे एक्सेल के वो सब साइन से होंगे, इक्वल के साइन से स्टार्ट होते हैं, फॉर्मूला हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट रूल इज फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम, फॉर एग्जाम्पल सम, एवरेज। तो फंक्शन का नेम क्या हो वो वैलिड एक्सेल के नेम हो, मतलब जो एक्सेल के अंदर फंक्शन होते हैं वो वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने नेम दे दिया फंक्शन का कोई ऐसा जो कि एक्सेल की लाइब्रेरी के अंदर है ही नहीं ठीक है। तो वही नेम होने चाहिए जो आपके एक्सेल की लाइब्रेरी के अंदर है प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस ठीक है। फंक्शन का नेम ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस से क्लोज होना चाहिए, मतलब आपका दोनों तरफ पैरेंथेसिस लगी हुई ओपनिंग और क्लोजिंग ठीक है, फंक्शन में हमेशा पैरेंथेसिस लगी रहती है। सो नेक्स्ट वी हैव आर्ग्यूमेंट आर क्लोज इन द पैरेंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल सम, और देखिए क्या जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम A1 : A5, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है A1 आर्ग्यूमेंट होगा A5, मतलब ये पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज है
ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज होते हैं, ठीक है, मतलब ये इससे बाहर नहीं जाएगा, पैरेंथेसिस से बाहर नहीं आना चाहिए आर्ग्यूमेंट जो आपके, ठीक है, इसके अंदर ही इनक्लोज होंगे ये क्वेश्चन। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो चुके हैं हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के। सो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2। जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर थे चैप्टर 2 के, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ, सारे क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उस डाउट को भी आपके क्लियर कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग।